मध्य प्रदेश के बैतूल के बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की हार्ट अटैक से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि दोपहर में उनके सीने में तेज दर्द उठा था। इसके बाद परिजन अशोक भलावी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुहागपुर गांव के रहने वाले अशोक भलावी सब्जी व्यापारी थे। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में होगा। इस वजह से बैतूल की सीट पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। चुनाव आयोग घोषित नई तारीख का ऐलान करेगा। बता दें कि बैतूल लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाला मतदान स्थगित कर दिया गया है। बैतूल कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर नवेंद्र सूर्यवंशी ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार आगामी तिथि घोषित होने तक इस सीट पर मतदान स्थगित किया गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बैतूल के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो बहुजन समाज पार्टी है, इसके अभ्यर्थी श्री अशोक भलावी जी का आज दुखद निधन हुआ है। ये उनका हृदय गति से उनका उठने से उनके निधन की सूचना प्राप्त हुई, उसकी हमने पुष्टि की है। पुष्टि करने के बाद माननीय निर्वाचन आयोग को हमने उसकी सूचना घोषित की है। और ये जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अग्रिम प्रक्रिया क्या होगी, तो अग्रिम प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने निर्वाचन आयोग को जानकारी घोषित की है, और साथ ही साथ लोक हित अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत हम लोगों ने जो 26 अप्रैल 2024 को मतदान होने वाला था द्वितीय चरण का, उसको हमने अभी स्थगित किया है। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उससे हम तक सहयोग कराएंगे।